हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आप लोगों के लिए आनी है, लगभग 58,000 के आसपास जो पद आने हैं, तो इसके संबंध में आप लोगों को कल शाम विवेक सर ने एक अपडेट दी थी, जिसमें उन्होंने दावे के साथ ये बात कबूली थी कि 17 सितंबर के आसपास की जो डेट है वो आपके आवेदन की या नोटिफिकेशन की हो सकती है। तो देखिए, बिल्कुल हम भी इस बात के पक्ष में हैं, क्योंकि अब जो डेडलाइन है वो लगभग शुरू होने को है। जहाँ तक उम्मीद है, सरकार इसी साल दिसंबर तक इस एग्ज़ाम को कवर कराने की फिराक में होगी बिल्कुल, ताकि चुनाव से पहले जो प्रक्रिया है इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सके। तो क्या कहा है विवेक सर ने और क्या दावा प्रस्तुत किया है, इसे चलते हैं, जानते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को स्क्रीन पे चल के दिखाता हूँ कि क्या विवेक सर ने दावा किया है और कितनी उस दावे में सच्चाई है। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो जो सितंबर का महीना बताया जा रहा है कि भाई 17 सितंबर के आसपास, और विवेक सर ने इसका ऐलान किया है, तो इसमें जो सच्चाई है वो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सितंबर से अक्टूबर, अगर इस साल दिसंबर में इन लोगों को एग्ज़ाम कराना है तो सितंबर में भर्ती का आना स्वाभाविक है। सितंबर में ही भर्ती आएगी अगर दिसंबर में इनको एग्ज़ाम कराना है तो, क्योंकि लगभग 45 दिन का कम से कम समय जो है वो परीक्षा कराने के लिए जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है वो देता है, कम से कम 45 दिन तो होते ही होते हैं। अगर ऐसे ही इस 45 दिन को लगाकर देखा जाए तो सितंबर में यदि आवेदन आ जाते हैं तो सितंबर से अक्टूबर तक आवेदन चलेंगे, अक्टूबर के बाद में नवंबर दिसंबर है ना, तो लगभग जाके वही दिसंबर का महीना एग्ज़ाम के लिए हो सकता है। यदि इस साल इस भर्ती का एग्ज़ाम इन्हें कराना है तो हर हाल में सितंबर में भर्ती को आना ही होगा। ठीक है, अब 17 सितंबर का जो दावा किया है विवेक सर ने, देखिए हो सकता है भाई बड़ा यूट्यूब चैनल है, कुछ जो उनके भी नुमाइंदे हैं वो भर्ती बोर्ड से जुड़े हुए होंगे, उन्हीं के द्वारा ये जो खबर है वो हाथ लगी होगी। और ये जो दावा किया गया है विवेक सर के द्वारा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उन्होंने ये दावा इस प्रकार से किया है कुछ, एक सेकंड रुकिए, मैं शामिल ही कर लेता हूँ उसको यहाँ पे। देखिए, ये रहा वो मतलब अपडेट, जिसमें जो टेंडर है उसके बारे में बताया कि TCS ने एग्ज़ाम का टेंडर हासिल कर लिया। तो टेंडर के बारे में देखिए, आप लोगों को हम लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि टेंडर यदि फाइनलाइज भी हो जाएगा, ना भी होगा तो भी पता नहीं चलेगा। अगर ये फाइनल नहीं होगा तो दोबारा से इसके लिए मतलब दोबारा से आवेदन कराए जाएंगे कंपनी के चयन के लिए। ठीक है, नोटिफिकेशन और आपके आवेदन की डेट बताई है 17 सितंबर। तो ये विवेक सर ने कल शाम लाइव किया था और कल शाम ही ये जानकारी साझा की थी। ठीक है भैया, तो इसमें सच्चाई भी हो सकती है, बिल्कुल सच्चाई के साथ भी जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है भाई, अगर अंदाजे से कहा होगा तो कह नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि अगर अंदाजा है तो भाई अंदाजे पे तो बिल्कुल मामला फेल भी हो सकता है। अगर कुछ नुमाइंदे विवेक सर के जुड़े हुए हैं वहाँ पे भर्ती बोर्ड में, तो बात सही भी हो सकती है। तो मैं यहाँ 50-50 में इसे मान के चलूँगा, 50-50, 50% ये बात सही भी हो सकती है और 50% ये बात झूठ भी हो सकती है, अगर अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन देखें तो। ठीक है भैया, ये सूचना थी जो विवेक सर ने आप लोग को मैसेज दिया, वही मैसेज हम आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा काम भी मीडिएटर का ही है। ठीक है, जय हिंद।